राम राम भाई, सभी को नमस्कार। आज की सेशन में हम बात करने वाले साथी स्पोकन इंग्लिश। तो आप जानते हो मैं शशि कुमार पटेल हूँ, ठीक है। मेरा नाम सभी को पता है ना, आई एम एस के पटेल, शॉर्ट फॉर्म में एस के पटेल से जाने जाते हैं। बाई दे मेरा पूरा नाम जानने को तो शशि पटेल है, ठीक है। वो नहीं जाना मेरा आधार कार्ड पर होता, ठीक है। बाई दे शशि पटेल सभी को जानते हैं। आज ये लेक्चर 4 हम लोग स्पोकन इंग्लिश की दुनिया की चर्चा कर रहे थे, और हमने इसके पहले की वीडियो लेक्चर में यानी कि हम पहले की क्लास में ये बताए थे आपको स्ट्रक्चर बेस्ड स्पोकन, कैसे स्ट्रक्चर का यूज करके आप इंग्लिश बोल पाओगे। समझ रहे हो ना। सभी को प्यार भरा एक नमस्कार दो और समझो स्पोकन की दुनिया में कैसे आप इंग्लिश बोलोगे। जब सुबह उठते हो तो क्या बोलोगे, कुछ वर्ड होना चाहिए आपके पास, कुछ वकीब होना चाहिए, कुछ आपके पास कैसे, जैसे सुबह उठे आँख मिचते हुए उठोगे तो कोई मिलेगा तो क्या बोलोगे भाई, सडनली क्या बोलोगी, तब आप वहां पर बोलोगे गुड मॉर्निंग। देखो समझो, जब आपकी आंखें खुलती हो यानी कि रात के 12 बजे के बाद, यानी कि रात 12 बजे, ठीक ना, 12 बजे के बाद, ठीक है, रात के 12 बजे बाद जब भी आंख खुलोगे, रात के यानी कि रात के 12 बजे के बाद, समझ लो ना, छोटी सी कॉन्सेप्ट समझना, रात के 12 बजे के बाद और दिन के 12 बजे के पहले, 12 बजे के पहले मैंने क्या बतलाया, 12 के बाद 12 के पहले, 12 के बाद 12 के पहले जब भी किसी से मिलोगे क्या बोलोगे, गुड मॉर्निंग मदर, गुड मॉर्निंग फादर, गुड मॉर्निंग सिस्टर, गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग। अभी जैसे बोलना बोलो, अभी आपकी शुरुआती है, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो, कुछ भी बोलो लेकिन बोलो। लेकिन आप कैसे बोलोगे, सबको तो गुड मॉर्निंग नहीं बोलोगे, सर्दी होंगे तो बोलो गुड मॉर्निंग सर, मैम होगी आपकी तो गुड मॉर्निंग मैम, गर्लफ्रेंड होगी तो हेड गुड मॉर्निंग डियर, कितनी के बॉयफ्रेंड होंगे गुड मॉर्निंग सोना बेबी, ठीक है, बाबू भी बोलते गुड मॉर्निंग बाबू। तो इस तरह से बोलो ना गुड मॉर्निंग, कब से बोलना है आपको समझना है, पहले कब से बोलोगे, पहली बात है मेरा समझना, कब से बोलोगे आप वाला फंडा, ठीक है। देखो मैं समझाना चाहता हूँ, समझो, आप रात के 12 बजे के बाद और रात दिन के 12 बजे के पहले, जब रात में जब भी 12 बजे के बाद आप मिल जाना, दिन के 12 बजे के पहले किसी से भी मिलो तो आप बोलो गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग ब्रदर, गुड मॉर्निंग मोहन, गुड मॉर्निंग सोहन, गुड मॉर्निंग माँ, गुड मॉर्निंग पापा, गुड मॉर्निंग दादा, कुछ भी बोलो, गुड मॉर्निंग बोलना है आपको। अगर वो भी नहीं समझ में, इसे भूल जाओ, जब आँख खोलते हो ना, जैसे ही आप बिस्तर से उठते हो तो कोई भी मिले आपको 12 बजे के पहले, ये हटा दो। अगर ये नहीं समझ में आ रहा ना, इसे आप हटा दो, ऐसे हटा दो, ठीक है। दिन के 12 बजे के पहले जब आप उठते हो, ऐसे समझ लो फिर, जब आप उठते हो, ठीक है, जब आप उठते हो तो दिन में, ठीक है, जब आप उठते हो तो दिन के 12 बजे के पहले, जब आप क्या होता है बिस्तर से उठते हो दिन के 12 बजे के पहले, गुड मॉर्निंग लगा करके आप हजारों सेंटेंस बोलो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ब्रदर, गुड मॉर्निंग सिस्टर, गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग आंटी, बोलो धुआंधार बोलो। अच्छा मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, कॉन्सेप्ट पे काम करो, क्योंकि जब आपकी मैं वो कुंजी चाबी दे दूंगा, जब आपको वो चीज टूल्स दे दूंगा तो आप धुआंधार बोलोगे। समझ रहे हो ना, ये बातें समझ में आई ना, ये बातें समझ में आ गई। तो आप मेरे को कल से कोई बच्चा ऐसा नहीं मिलना चाहिए जो गुड मॉर्निंग नहीं बोले, गुड मॉर्निंग नहीं बोले। अब बात आती है साथियों, गुड आफ्टरनून कब बोले, बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, तो मैं सबके साथ में काम करूंगा। आप मुझे शशि पटेल मारना, इंग्लिश भाई शशि पटेल, इंग्लिश भाई शशि पटेल मारना, मैं मिल जाऊंगा, ठीक है। और देखो ये स्पोकन का सीरीज चल रहा है, मैं स्पोकन में हर तरह से काम कराने की कोशिश करूंगा आपको, ऐसे नहीं आएगी आपको इंग्लिश सिखाने के हर वो प्रयास, हर वो राज, हर वो हथियार आपके साथ यूज करूंगा, जिससे आपकी थोड़ी बेहतर, थोड़ी बहुत, पूरी तो नहीं कह सकता लेकिन थोड़ी बहुत आपके इंग्लिश जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो बोलने की पावर, जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो थोड़ा इन्हांस हो जाए। मैं बात कर रहा था गुड आफ्टरनून का यूज कब करेंगे, समझना, दिन के 12 बजे के बाद, 12 बजे के बाद और शाम के 5 बजे के पहले। अच्छे बहुत सारे लोग कहते हैं 3 बजे, नहीं, समझो कब इवनिंग कहते हैं, मैं बता तो रहा हूँ ना, 5 बजे के पहले, बहुत सारे लोग 3 बजा देते हैं, नहीं,
गुड इवनिंग कब बोलते हो? सोने से पहले जब तक किसी से मिलते रहो गुड इवनिंग तो बोलते रहो ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सोने से पहले जिससे मिलो गुड इवनिंग बोलो, 7 बजे मिलो गुड इवनिंग, 8 बजे मिलो गुड इवनिंग बोलो, गुड नाइट नहीं, गुड नाइट जब बिछावन में चले जाते हो जब सोने के मूड में होते तब गुड नाइट बोलते। सारी चीज सीखो ना मेरे साथ, बने रहो। मैंने क्या बोला, दिन के 12 बजे के बाद और शाम के 5 बजे के पहले, 5 बजे के पहले। साथियों राइटिंग में मत जाना, राइटिंग में मत जाना, समझो मैं बताना क्या जा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि दिन के 12 बजे के बाद और शाम के 5 बजे के पहले जब भी किसी से मिलो, किसी से भी मिलते हो ना, कहीं ऑफिस में जाते हो ना, कहीं मार्केट में जाते हो ना, कहीं दुकान में जाते हो गए, तो कहोगे क्या कहोगे, गुड आफ्टरनून ब्रो, गुड आफ्टरनून डियर, गुड आफ्टरनून सर। मान लो दोपहर में कोचिंग है, जैसे मैं दोपहर में क्लास दे रहा हूँ, मान लीजिए 2 बजे आपकी क्लास चल रही होगी साइंस क्लास, तो क्या बोलोगे सर जो पढ़ा रहे होंगे, क्या बोलोगे, गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून सर जी। जैसे आप घर पे गए, जैसे अपने रिश्तेदार में गए, तो क्या बोलोगे, गुड आफ्टरनून मौसा जी। आप हिंदी भी लगा लो कोई नहीं, लेकिन गुड आफ्टरनून तो बोला ना, कुछ कुछ तो इंग्लिश वर्ड बोले ना, कुछ तो बोलो। जैसे मामा जी के पास गए थे, क्या बोलोगे, गुड मॉर्निंग मामा जी, या गुड मॉर्निंग अंकल भी बोल सकते हो, तो मामा को अंकल बोलते। जैसे नाना जी के पास गए तो क्या बोलोगे, गुड मॉर्निंग ग्रैंडफादर, हाँ गुड मॉर्निंग ग्रैंडफादर, या गुड मॉर्निंग दादाजी बोल सकते हो, कोई इशू नहीं। लेकिन गुड मॉर्निंग तो गुड मॉर्निंग सुबह के लिए बोलोगे, गुड आफ्टरनून दोपहर के लिए 12 से 5 बजे तक, गुड आफ्टरनून अंकल, गुड आफ्टरनून सर जी, गुड आफ्टरनून मैम। अच्छा जैसे देखना, एक आता था हम लोग का सबसे पहले शुरुआत में एक चीज आती थी जब हम लोग वोकैब करते थे, क्या बोलते थे, गुड मॉर्निंग इंडिया, क्या बोल सकते हो साथियों, गुड आफ्टरनून इंडिया, गुड आफ्टरनून बिहार, गुड आफ्टरनून किसी भी प्लेस का नाम लगा करके भी गुड मॉर्निंग बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम बोलो तो सही, तुम बोलोगे क्योंकि मैं सारे ओवरऑल कंसेप्ट दे रहा हूँ आपको, आप लगा के बोलो। दो कंसेप्ट और सीखो, फिर उसके बाद गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग और गुड नाइट में कन्फ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर हो जाएंगे, हमेशा के लिए। फिर कभी दिक्कत नहीं होंगे, फिर कभी फंसोगे नहीं, नहीं याद रखना। ये हो गए ना, एक कॉन्सेप्ट समझ में आया ना, कि दिन के 12 बजे के बाद शाम 5 बजे के पहले जब भी किसी से मिलना तो गुड आफ्टरनून लगा के बोलना। क्या लगाओगे यहाँ पे, लिख लो साथियों, नहीं पता है तो लिखो ना मेरे साथ, गुड गुड आफ्टरनून लगाओगे, गुड आफ्टरनून लगा करके बोल देना, ये वर्ड लिख दो, नहीं है तो गूगल में मार देना, गुड आफ्टरनून बोल दे रहा हूँ कितना बार, समझ गए, आ जाओ मेरे साथ। जल्दी जल्दी काम करोगे ना, जितनी जल्दी सीख पाओ, ठीक है, छोटी छोटी चीज़ें सीखो, फिर बहुत मजा आ जाएंगे, समझ रहे हो ना, मजा आ जाएंगे। देखो शाम 5 बजे के बाद, समझना, शाम 5 बजे के बाद, ठीक है, सोने से पहले, सोने से पहले। बहुत सारे बच्चे दिमाग गलत लगा लेंगे, यहीं पे फंस जाते। सोने से पहले का मतलब ये हुआ कि जब आप रास्ते में घूम रहे हो रात में भी, अब ऐसा नहीं 12 बजे आते हैं रात में, रात मिनिमम, रात के मतलब ये हुआ कि 8-9 बजे तक, यानी मिनिमम मान के चलो यहाँ पर 9 बजे तक, ठीक है, मान के चलो, क्योंकि इंग्लिश है, इंग्लिश में आपको समझना पड़ेगा एक एक चीज़ों को, बातों को। शाम 5 बजे के बाद जब भी किसी से मिलना, जब भी किसी से मिलना, शाम 5 बज रहना उसके बाद कभी भी मिलना, तो कोई भी होगा ना, ऐसे कहोगे ना, गुड इवनिंग ब्रो, हेलो गुड इवनिंग, हेलो गुड इवनिंग शशि, हेलो गुड इवनिंग मोहन, हेलो गुड इवनिंग राज, हेलो गुड इवनिंग सीता, हेलो गुड इवनिंग माँ, गुड इवनिंग सर, एन आई कम, मतलब कुछ भी गुड इवनिंग लगा कर वॉट एवर बोलो। कब बोलोगे, शाम 5 बजे के बाद सोने से पहले। कब बोलना है साथियों, सोने से पहले, सोने का मतलब क्या, बिस्तर पर जाने से पहले, यानी कि जब घर में जाते हो ना उसके पहले। अगर उस वक्त भी कोई आदमी मिल गया ना, कहो गुड इवनिंग, लेकिन हाँ अब मूड बना लियो आपके अंदर से एकदम फीलिंग एकदम फिक्स है, अब मुझे जा करके सोना ही है, तब गुड नाइट बोलोगे। लेकिन अभी आपका फिक्स नहीं है, दिमाग में माइंड में नहीं चल रहा है कि सोना के सोने वाला जो फीलिंग नहीं आ रहा है, किसी से मिल रहे हो, कहीं जा रहे हो, वेकेशन कहीं कुछ भी करो, गुड इवनिंग ही बोलोगे। क्या बोलोगे मेरे साथ, रिपीट करो, क्या बोलोगे, गुड इवनिंग ही बोलोगे। यहाँ तक किसी को दिक्कत हो तो बताओ, शाम 5 बजे के बाद सोने से पहले कोई भी मिल जाए गुड इवनिंग, आज के बाद नहीं मिलना है तो बोलना है आपको, क्योंकि जब तक बोलेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। वो कहानी सुनो ना यूपीएससी को जो कहते हैं बच्चे, जब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं, वैसे ही जब तक हम लोग बोलना सीखेंगे नहीं जब तक छोड़ेंगे नहीं। आप मेरे साथ काम करो, ये बातें समझ में आ गई ना, शाम 5 बजे के बाद क्या बोलना है, गुड इवनिंग बोलना, क्या बोलना है, गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग पापा, गुड इवनिंग मम्मी, कुछ भी बोलो, मैंने सारी चीज़ बताऊंगा आपको। अब एक और बचता गुड नाइट, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं यार, इन्हीं छोटे छोटे चीज़ों में कंफ्यूज है, अभी इन्हीं चीज़ों में कंफ्यूज है, तो ये चीज़ हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि वो 3 बजे लगा देते हैं, 5 बजे तक लगा, लिमिटेशन सीख गए ना। अब देखो
अब देखो अभी समझो ना, समझो। जब सोने जाओ, क्या लिखोगे? जब सोने जाओ, जब सोने जाओ। मान लो जैसे बिछावन में घुस गए, आप बिस्तर में चले गए और टेक्स्ट कर रहे हो किसी से, अब मूड है कहाँ, मैं सो जाऊंगा, तो क्या लिखोगे? गुड नाइट डियर, गुड नाइट स्वीटी पाई। लड़के क्या करते हैं? लिखते गुड नाइट जानू। मतलब जब उनके मूड है कि हाँ अब सो जाएंगे, यानी कि जब आपके मूड हो, जैसे अब किसी से, हाँ अब किसी से मिल गया, ठीक है, ठीक से कि उसके मिलने के बाद हम लोग जैसे कहीं से लीव लेते हैं, जैसे ऑफिस में काम किया, ठीक है, रात हो रही है, रात में हम लोग क्या करते हैं? अब जाने वाला है, फिर नहीं मिलेंगे, यानी कि कल मिलने वाला सेंस हो, यानी कि वो चीजें फिर से कल करेंगे, तो क्या बोलते हैं? गुड नाइट डियर, सी यू टुमारो। गुड नाइट मैम, सी यू टुमारो। तो वो सेंस क्या होता है? हमेशा के लिए विदा, यानी कि कुछ एक लॉन्ग डिस्टेंस के हम लोग गैपिंग करते हैं, समझ ना, लॉन्ग डिस्टेंस गैपिंग करते हैं, तो वहां पे गुड नाइट का यूज करते हैं। कहाँ पे? जब सोने का हो, जब वो दोबारा नहीं मिलेंगे, जब वो किसी भी कंडीशन में दोबारा नहीं मिलेंगे, देन यूज ये गुड नाइट। ओके, समझ पा रहे हो ना? गुड नाइट कब बोलना है, गुड नाइट कब बोलना है, समझ पा रहे हो ना? अभी का मैं समझ रहा हूँ, गुड नाइट कब बोला, समझ गए ना? ये थे हमारे ग्रीटिंग्स वाले वर्ड, ये थे हमारे छोटे से कॉन्सेप्ट, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट। चार चीजें थे, चार चीजें बहुत कंफ्यूज करते हैं बच्चे को, हमारे बहुत सारे से स्टूडेंट है ना कंफ्यूज रहते हैं कब क्या बोले, ये समझ में आ गया ना? तो आप लोग कमेंट करके बताना क्या इसका नेक्स्ट पार्ट भी आना चाहिए। अगर हाँ, अगर आपका रिस्पॉन्स है हाँ यस, देन मैं इसके नेक्स्ट पार्ट भी लाऊंगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।